तो ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के पास आ चुका है कि किसी भी टाइम पे आपका मोबाइल हैंग हो रहा है, तो इसके कारण ये हो सकता है। तो ऐसे क्या वीडियो मजा आया? तो आप लोग तो ऐसे टाइम करते हो, कोई भी परमिशन सेट में आ जाए तो आप लोग ऐसे दे देते हो, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है आप लोग। So, hello guys, तो कैसे आप लोग? आज जो टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आया हूँ, इसके मदद से आपका जब मोबाइल में हैंग की प्रॉब्लम है सब कुछ दूर हो जाएगा। आपको कभी भी जिंदगी में भी आपका फोन हैंग नहीं होगा, मैं पक्का गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। जो टिप्स एंड ट्रिक्स आज के वीडियो में मैं लेके आया हूँ, इसको आप लोग फॉलो करना है और आप लोगों को कुछ यूनिक सा मोबाइल देखने को मिलेगा। आपको जब आपका फोन को कभी भी हैंग नहीं आएगा और प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को फटाक से स्टार्ट कर लेता हूं। आप लोगों को कुछ सेटिंग्स दिखाने वाला हूं जिसके मदद से आपका फोन काफी स्मूथली चलेगा और कोई भी ब्रांड हो और कोई भी मोबाइल हो, सिर्फ रॉकेट की तरह दौड़ेगा, ऐसा समझे। कैसा लगा मेरा मजाक? और दोस्तों, वीडियो में एक सेटिंग्स बताने वाला हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेटिंग्स है, वो आप लोगों को करना ही है और करना ही है। तो गाइस, चलिए इस वीडियो को फटाक से स्टार्ट कर लेते। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखिए, आपकी अगर हैंग की प्रॉब्लम दूर ही करना है तो आपको सबसे पहले जो सेटिंग्स करना होगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को चले जाना है, जो अपना मोबाइल होगा उसका सेटिंग पे चले जाना है। तो आप लोगों को बता दूं, एक सिंपल सा क्लियर कर दूं कि आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर रहेगा कि आपके डिवाइस क्या होना चाहिए। कुछ भी डिवाइस हो, सेटिंग्स सेम होता है, तो आप लोगों को सेटिंग्स सिर्फ ढूंढना पड़ता है। किसी का सेटिंग्स ऊपर रहता है, किसी का नीचे रहता है, किसी का राइट साइड में रहता है, किसी का कोई अदर साइड में होता है, तो आप लोगों को सिर्फ ढूंढना है। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखिए, सबसे पहले आप लोगों को जाना है सेटिंग्स पे, और सेटिंग्स पे जाने के बाद आप लोगों को चले जाना है सिस्टम्स एप्स अपडेटर, तो इसके ऊपर क्लिक कर लेना। एंड इसके बाद आप लोग यहाँ पर राइट साइड में देख सकते हो सेटिंग का बटन, तो इसके ऊपर क्लिक कर लेना। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो शो अपडेट नोटिफिकेशन, तो इसको ऑन ही रहने देना है। और इसका थोड़ा सा नीचे आप लोग देख सकते हो ऑटो अपडेट्स, तो इसके ऊपर क्लिक करना। और इसके बाद आप लोग यहाँ पर देख रहे हो डोंट अपडेट अपडेट यूजिंग वाईफाई एंड अपडेट यूजिंग वाईफाई एंड मोबाइल डाटा, तो इसका मतलब है आपका जब अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा तो आप किसी से किस साइट से आप लोग करेंगे, मोबाइल डाटा से या फिर वाईफाई से, तो यहाँ पर आप लोगों को डोंट अपडेट पे क्लिक कर देना है ताकि आपकी मोबाइल का डिवाइस फ्री रहे और आपका जो डाटा है वो सेफ रहे और इसके कारण आपका डिवाइस हैंग हो रहा है। तो यही आप लोगों को करना है। और इसके बाद आप लोगों को चले जाना है अबाउट फोन पे, और इसके बाद आप लोगों को फिर से चले जाना है MIUI वर्जन पे, और इसके बाद आप लोगों को थ्री डॉट पे, और इसके बाद आप लोगों को सेटिंग पे क्लिक कर देना। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो डाउनलोड ऑटोमेटिकली, तो इसको आप लोग ऑफ कर देना। तो जब भी आप ऑफ कर दोगे तो आपका जब भी अपडेट्स आएगा तो डायरेक्ट डाउनलोड नहीं होगा। तो आप लोग ऐसे तो डाटा ऑन करके रख देते हो, लेकिन आप लोग का जब आप किस यूज ही नहीं करते तो आपका डाटा कहाँ जाता है, तो यहाँ से डाटा सेव होता है और आपका हैंग का प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होता है। तो आपका जब अपडेट्स आएगा तो आप लोग चाहो तो अपडेट्स देना, अदरवाइज मत देना, तो ये ऑप्शन ऑफ कर देना। इसके बाद आपका प्रॉब्लम निकल जाएगा। और इसका थोड़ा सा आप लोग नीचे देख सकते हो आधार्स रिसीव्स अपडेट्स, यानी इन दोनों को आप लोग ऑफ ही रखना, ये दोनों को ओपन मत करना। और इसके अलावा आप लोग देख सकते हो डाउनलोड यूजिंग मोबाइल डाटा, तो इसको भी आप लोग ऑफ कर देना। सो गाइस, ये काम करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, जो सेकंड ट्रिक से आप लोगों को क्या करना है, देखिए। सो गाइस, इसके बाद आप लोग सीधा बैक चले आना, और बैक चले आने के बाद फिर से आप लोगों को सेटिंग का ऊपर क्लिक कर देना। और आप लोगों को यहाँ पर देख रहा होगा अकाउंट एंड सिंक, इसके अलावा आपके डिवाइस में ये भी हो सकता है क्लाउड एंड अकाउंट्स, तो इसके ऊपर क्लिक कर लेना। एंड यहाँ पर आप लोग देख रहे हो सिंक नाउ चल रहा है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ऑटो सिंक डाटा, तो ये आपका ऑन रहेगा, तो आप लोग इसको ऑफ कर देना। इसके बाद ओके पे क्लिक कर देना। इसका मतलब यही होता है कि आपका जो गूगल में जो फेसबुक डाटा, मैसेंजर डाटा, जो भी जितने भी बैकअप्स होते हैं तो यहाँ पर वो सिंक होता है। और सिंक आप अगर आप लोग चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज मत करना, क्योंकि आपका जो रैम है वो यहाँ से वो क्षय हो जाता है और आपका डिवाइस इसी तरीके से हैंग होने का चांसेस बढ़ जाता है, तो इसको आप लोग ऑफ कर देना। और इसके बाद आपको जो सेटिंग्स करना है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखिए, आप लोग चले जाइए सीधा प्ले स्टोर पे, एंड यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो यहाँ पर गूल जो एक सिंबल दिखाई दे रहा है, इस सिंबल का ऊपर क्लिक कर लेना। इसके अलावा आप लोगों को थ्री डॉट्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, चाहो तो वो भी कर सकते हो। इसके बाद आप लोगों को चले जाना है सेटिंग्स पे, और सेटिंग्स पे चले जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर देखना पड़ेगा नेटवर्क प्रिफेरेंस, तो इसका ऊपर क्लिक कर लेना। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एप्स डाउनलोड प्रिफेरेंस, तो इसके ऊपर क्लिक कर लेना। एंड यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ओवर एनी नेटवर्क ओवर वाईफाई ओनली एंड आस्क मी एवरीथिंग टाइम, तो आस्क मी
एवरीथिंग टाइम का ऊपर क्लिक कर देना, इसके बाद डन पे क्लिक कर देना। इसके अलावा और भी सेटिंग्स है जैसे ऑटो अपडेट एप्स, तो इसके ऊपर क्लिक करना ना। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो थ्री सेटिंग्स आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोगों को सीधा करना है डोंट ऑटो अपडेट एप्स, तो इसका मतलब यही होता है कि आपका जब भी अपडेट आता है एप्स रिगार्डिंग, जो आपके फोन में जो एप्लीकेशन होता है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है या फिर अपडेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके कारण आपका डिवाइस में जो डाटा है वो सेव होने रहता है, और आपका आप जब भी डाटा ऑन करते हो तो आपका डिवाइस में जो जितने भी डाटा रहता है, जो आपके पर डे में 1.5G 2GB 3GB रहता है, वो ऑटोमेटिकली क्रच हो जाता है, और यहाँ पर जो डाटा रहता है वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है आपके फ़ोन में, और इसी के कारण आपका डिवाइस में हैंग हो रहा है। तो यह भी ट्रिक्स आप लोगों को फॉलो कर लेना। एंड इसके बाद आप लोग देख सकते हो ऑटो प्ले वीडियोज, तो कभी कभी ऐसे देखते हो कि अचानक से आपका वीडियो स्टार्ट हो गया और एड्स वगैरह आता है, तो ऐसे आप लोगों को प्ले स्टोर में वीडियो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है, तो इसे इसको भी आप लोगों को ऑफ कर देना जैसे मैंने सेटिंग्स बताए। तो इसी को भी आप लोग डोंट ऑटो प्ले वीडियो पे क्लिक कर देना और इसके बाद डन का ऊपर क्लिक कर देना। देखिए आपका फ़ोन में रहेगा जितने भी एप्लीकेशन रहता है, तो आप लोगों को कोई भी एक एप्लीकेशन सिलेक्ट कर लेना, जैसे ये है DUO, तो इसके रिगार्डिंग आप लोगों को सिर्फ प्रेस करके रखना है। इसके बाद आप लोग एप्स इन्फॉर्मेशन पे चले जाइए, एंड इसके बाद आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा नीचे देख सकते हो डिजेबल, तो इसको आप लोग डिजेबल का ऊपर क्लिक कर देना, क्योंकि मेरा यहाँ पर जो डिजेबल का जो साइन है वो साइन नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसके कारण यही है कि मैंने जितने भी मेरा एप्लीकेशन था वो मैंने खुद से डिजेबल कर दिया, तो इसके लिए मेरा यहाँ पर डिजेबल नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपका जब एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन में जाओगे तो आपका यहाँ पर डिजेबल का साइन दिखाई देगा, तो आप लोग जिस एप्स को आप लोग यूज़ नहीं करते आपके फ़ोन में बेकार पड़ा है वो आप लोगों को डिजेबल कर देना है, तो अपने हिसाब से करना है। तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल बताया है कि आप लोगों को कैसे करना है, और डिजेबल करने के बाद आपका डिवाइस काफ़ी स्मूथली चलेगा और आपका जो डिवाइस है वो रॉकेट की तरह दौड़ने लगेंगे। तो सो गाइस, इसके बाद जो सेटिंग्स है वो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा देखिए। तो दोस्तों, ये जो सेटिंग्स अभी बताने वाला हूँ ये काफ़ी बेहतर होने वाला है और ये सीक्रेट टिप्स है। तो दोस्तों, ये सेटिंग करने के बाद आपको कोई भी हैंग की प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये महत्वपूर्ण सेटिंग्स क्या है, तो इसके लिए आप लोगों को फिर से चले जाना है सेटिंग का ऊपर, और यहाँ पर आप लोग देख रहे हो अबाउट फोन, तो इसके ऊपर क्लिक कर देना। एंड इसके बाद आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे MIUI पर्सन, तो इसके ऊपर आप लोग ऐसे 7 बार टैप कर देना। तो इसके बाद आप लोग देख सकते हो डेवलपर ऑप्शन ऑन हो गया, तो डेवलपर ऑप्शन आप लोग ऑन कर सकते हो यहाँ से। तो इसके बाद अगर आपका सेट सैमसंग या फिर नोकिया वगैरह है तो आप लोग का डेवलपर ऑप्शन यहाँ पर सबसे नीचे आ जाएगा, और इसके अलावा अगर यहाँ पर नहीं आएगा तो आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो एडिशनल सेटिंग्स। तो एडिशनल सेटिंग्स को जाने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो डेवलपर ऑप्शन, यही मीन्स मेन टिप्स होता है, तो इसके ऊपर क्लिक कर लेना। एंड यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन ऐसे ऑफ रहेगा, तो आप लोग इसको ऑन कर देना और इसके बाद ओके पे क्लिक कर देना। और इसके बाद आप लोग क्या करना पड़ेगा, सबसे लास्ट में चले जाइए और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो सेटिंग्स, जो कमाल की सेटिंग्स अभी बताने वाला हो। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, तो ये तो आप लोगों ने कि यही समझ रहे हो कि ये तो हर यूट्यूबर बताता है, लेकिन ये हर यूट्यूबर नहीं, मैं कुछ अलग से बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, इसके अलावा आप लोग देख सकते हो लिमिट बैकग्राउंड प्रोसेस आपके फोन में रहेगा। तो यहाँ पर आप लोग क्या करना पड़ेगा देखिए, इसका ऊपर क्लिक करना और इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर स्टैंडर्ड लिमिट रहेगा, तो आप लोग नो बैकग्राउंड प्रोसेस का प्रोसेस सिलेक्ट कर देना। ये नो बैकग्राउंड प्रोसेस क्या होता है देखिए, आप जब सो जाते हो या फिर आपका फ़ोन ऐसी बिस्तर में आप लोग फेंक के रख देते हो, लेकिन आपके बैकग्राउंड में जो भी जितने भी कार्यक्रम चलता है ऑटोमेटिकली चलता है, जो डिवाइस एक्टिवेट रहता है उसी का काम चलता है। तो इसके कारण आपके मोबाइल में चार्ज भी कम आता है और आपका जो डाटा है वो सेव नहीं रह पाता है, इसके कारण आपके मोबाइल में हैंग का चांस बढ़ जाता है। तो इसके अलावा आप लोग और भी एक सेटिंग्स देख सकते हो, जैसे आप लोग ऐसे स्क्रॉल करोगे तो आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा जैसे है विंडोज एनिमेशन स्किल। इसके अलावा आप लोग और भी सेटिंग्स देखिए, ट्रांजेक्शन एनिमेशन स्किल, एनिमेशन ड्यूरेशन स्किल। तो यहाँ पर आप लोग क्या करना पड़ेगा देखिए, आप लोग जब भी 5x कर दोगे तो आपका डिवाइस ऑटोमेटिकली बूस्ट मिल जाएगा और आपका स्क्रीन जो है वो फास्ट हो जाएगा। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोगों को एनिमेशन ऑफ कर देना है, और इसके बाद आप लोग क्या करना पड़ेगा देखिए, आप लोगों ने तो इतने सारे सेटिंग्स कर लिए लेकिन इसके बाद भी आपका फ़ोन हैंग की प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसके लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा देखिए, आप लोगों को और भी 4 टिप्स देता हूँ। जैसे आपके फ़ोन में होगा यूज़ ओनली 1 ब्राउज़र, तो इसका मतलब होता है आपका ऐसे स्क्रीन में रहेगा जितने भी एप्स रहेगा और आपका मेन्यू में भी जितने भी एप्स रहेगा, तो आप लोगों को सिर्फ एक ही एप्स को यहाँ पर सेव करना है या फिर दो जो आप लोग ज़्यादा यूज़ करते हो, जैसे यूट्यूब फेसबुक क्रोम वगैरह, तो यहाँ पर आप लोगों को 2-3 एप्स ऐसे शो कराना है। जैसे यहाँ पर रह गया 5, 10, 15, तो यहाँ पर सिर्फ 15 यहाँ पर नहीं शो होना चाहिए, आप लोगों को ध्यान में रखना है। और सेकंड है फ्री आप
होम पेज, तो आपका जो होम पेज रहेगा वो भी फ्री रहना चाहिए। और थर्ड पे है क्लियर ऑल चेक, तो क्लियर ऑल चेक का मतलब यहाँ पर आप लोग देख रहे हो रिसेंट बटन, मिडिल बटन एंड बैक बटन, तो आप लोगों को यहाँ पर जो रिसेंट बटन आता है इसका ऊपर क्लिक कर देना एंड इसके बाद आप लोग क्रॉस का ऊपर एक बार क्लिक कर देना तो आपका क्लियर चेक हो जाएगा। और इसके बाद आपका जो रैम है वो फ्री रहना चाहिए तो भी आपका हैंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो दोस्तों इसके बाद आपका हैंगिंग का प्रॉब्लम कभी सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक कीजिए, क्योंकि इसकी ये सेटिंग्स आप लोगों को फॉलो कर लेना है और फॉलो करने के बाद आपका कोई भी सेट में हैंगिंग का प्रॉब्लम नहीं आएगा, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोग जल्दी से कीजिए ये सेटिंग्स, आप लोगों ने तो वीडियो देख लिया लेकिन अभी तक किया नहीं, आप लोग जल्दी से फटाक से करना स्टार्ट कर दीजिए, इसके बाद आपका हाल निकल जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।